इस समय भीषण गर्मी और तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लगातार प्रचंड गर्मी अपना तांडव मचा रही है। दिल्ली NCR में चिलचिलाती गर्मी और लू ने लोगों को परेशान कर रखा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में दिन भर लू चल रही है और तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। रविवार 26 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 9 साल बाद दिन में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। इतना ही नहीं, यह सीजन का अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। इससे पहले 2015 में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं दिल्ली शहरी केंद्रों में मुंगेशपुर व नजफगढ़ इलाके में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंचा है। देश की राजधानी ही नहीं, उत्तर भारत के ज़्यादातर शहर भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर शहर इस समय तप रहे हैं। राजस्थान का फलौदी ज़िला लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म जगह रही, जहां पारा 49.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 4-5 दिन तक बारिश के कोई आसार नहीं है। 9 मई तक दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में पारा चढ़ा रहेगा। इसके बाद ही कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर पंजाब, हरियाणा में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 31 मई को दिल्ली में मौसम बदलने की हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। पूर्वानुमान है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:15 पर तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली NCR के साथ फरीदाबाद में 33 डिग्री, गुरुग्राम में 33, गाजियाबाद में 32, ग्रेटर नोएडा में 33 और नोएडा में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हर दिन गर्मी का सितम बढ़ रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। रविवार को सुबह से चिलचिलाती गर्मी देखने को मिली। गर्मी से बचने के लिए लोग सुबह से ही अपने घरों में कैद रहे। इससे स्थानीय इलाकों से लेकर मुख्य सड़कें वीरान दिखीं। पर्यटन स्थल व बाजारों में भी लोगों की संख्या बहुत ही कम रही। दोपहर से पहले ही गर्मी से लोगों के पसीने छूटने लगे। जो लोग बाहर थे वो छाया की तलाश में दिखे।